नहीं, हमने रिसर्च तो नहीं की, लेकिन हम जो है पता नहीं, मैं आनंद जी के साथ जब लखनऊ में शूट कर रहा था तो मैंने उनसे एक बात कही कि सर, मैंने इस कैरेक्टर पर, जहाँ तक उसके लैंग्वेज और लहजे की बात है, मैंने ज़्यादा उस पर रिसर्च किया नहीं, लेकिन जब मैं लखनऊ गया तो वो फील अपने आप मेरे अंदर आ गया। और ये एक बहुत ही अर्दी फिल्म है और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। और शायद कुछ चीज़ों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में रिसर्च नहीं कर सकते। एक ऐसा कैरेक्टर जो मैं हमेशा प्ले करना चाहता था, एक अर्दी कैरेक्टर। अर्बन लव स्टोरीज बहुत बनती रहती हैं, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। और आई एम थैंकफुल दैट ही गेव मी अ रोल लाइक दिस। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। लखनवी इश्क एक, मैंने कहा कि एक अर्दी लव स्टोरी है। छोटे शहरों में लोग आज भी प्यार को लेकर बहुत रिस्पेक्ट है। आई थिंक कि अर्बन सेंटर्स में कहीं ना कहीं, अर्बन सिटीज़ में लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद वो रिस्पेक्ट अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए, वो लोग खो रहे हैं। और छोटे शहरों में लोग अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इमोशंस को बहुत समझते हैं, फैमिलीज़ को बहुत समझते हैं। और मैं एक अर्बन शहर का लड़का हूँ, लेकिन मेरे फादर पटना से हैं, बिहार से हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एक ऐसी फिल्म करूँ, ऐसे प्यार को भी समझूँ कि प्यार सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होता है, उससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्यार में होती हैं। और लखनवी इश्क एक ऐसी ही फिल्म है जहाँ पर कोई सेक्स नहीं है, कोई किसिंग नहीं है, लेकिन इमोशंस, जस्ट वो लड़की को देख रहा है, उसे कहता है कि हमें आपसे प्यार हो गया, देखिए शायद हमारे हाथ ठंडे हो गए, इसे शायद प्यार कहते हैं। ये एक दूर से खड़े होकर देखने का एक दूसरे को, वो जो मज़ा है, और आँखों से बात करने का जो मज़ा है, वो इस फिल्म में आप लोगों को देखने मिलेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।